See, whenever we are doing two point of axis has depend upon what is about what the root of the equation. The root of the equation is we having what? Now to find the root of the equation, first you have to find what? Delta. Delta is called what? Triangle. It's called what? Discriminant. Delta is called what? Discriminant. Correct? Now after finding the delta, this is what called delta. After finding the discriminant, then you find what the nature of the root. If the value of delta is 0, if we get the value after solving the sum, if we get the value of what? Delta. If it is 0, then the root are real and equal. Root are what? Real and equal. If delta is more than 0, you are getting what? The value positive. When you are getting the value of delta is what? Positive. So the root are real and unequal. Roots are what? Real and unequal. When the delta value is what? Negative. We are getting what the value, delta ki value agar humko negative milti hai. Negative matlab minus mein value milegi. Dikha maine negative value. To roots are not real. The roots are what? Not real. Okay? So the three hai. When delta is equal to 0 rahega, to real and equal. Delta agar greater than 0, positive value rahegi, to real and unequal. Agar delta ki value negative rahegi, to kya rahega? The roots are not real. ना इधर हमको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोगों को फोर्थ पार्ट इधर व्हाट इसके आगे ये फाइंड करेंगे अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है. अल्फा बीटा क्या है? दो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो अगर दो रूट्स है तो हम लोग को पहले फाइंड करना पड़ेगा टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम लोग फाइंड करना पड़ेगा अल्फा एंड बीटा. तो सी पहले फाइंड करो अल्फा प्लस बीटा. इसकी वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा? सी अपॉन ए रहेगा. अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए. दीज टू वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों वैल्यू है. ये दोनों वैल्यू फाइंड करने के बाद इसके बाद में पुट करने का हम लोग को हुआ फिर पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा देन इसके बाद में सी देन फिर हमको फाइंड करने का वैल्यू प्लस अल्फा इंटू बीटा. ये हो गया हम लोग का इक्वेशन. टू फॉर्म दिस इक्वेशन हम लोग को पहले फाइंड करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा. सो ये वैल्यू यूज करने का फिर फाइंड करने का अल्फा इंटू बीटा. ये वैल्यू पुट करके वी गेट व्हाट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज है. ये हम लोग का 2.5 का फर्स्ट सम. इधर हम जस्ट लोगों ने हम लोग को फाइंड करने बोला है कि नेचर ऑफ द रूट क्या है. सी इधर हम लोग को दिया ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ जीरो. ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की वैल्यू क्या आ गई? फाइव आया. यानी प्लस फाइव होता है. यानी बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर माइनस फोर इसी मतलब डेल्टा. डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. डेल्टा मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस फोर सी जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था. अब ये पॉजिटिव है. अगर पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ द रूट क्या है? रियल एंड इक्वल. पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा तो क्या रहेगा? रियल एंड अनइक्वल. रियल एंड रियल एंड अनइक्वल. रियल एंड अनइक्वल. अगर वैल्यू नेगेटिव आती है यानी डेल्टा की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वैल्यू क्या इधर? No real root. वैल्यू क्या इधर? No real root. तो इसका आंसर क्या है? पहला अगर 5 है तो real है यानी इक्वल. माइनस है तो no real root. है ये अपना फर्स्ट सम हो गया. है सेकंड सम इधर हम लोग को दिया है सम ऑफ द रूट माइनस 7 प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है? 5. हम लोग फाइंड करने क्या है? फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो कैसे फाइंड करने के? ये वाला वैल्यू सी क्या है इधर? एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट क्या इधर? माइनस सेवन सम है और इधर क्या है? एक्स है प्लस और अल्फा इंटू बीटा कितना है? और इसका इसका प्रोडक्ट क्या दिया हम लोगों ने? फाइव दिया. तो इधर क्या आएगा? फाइव इज इक्वल टू जीरो. तो आंसर क्या आएगा इसका? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो इज द फाइनल आंसर. ये मिला अपने को सेकेंड सम का. यहाँ दिस वॉज द सेकेंड सम. थर्ड सम कितना बोला हम लोगों ने? 2x square 4x minus 3 is equal to 0. तो बोला अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो
और अल्फा इंटू बीटा फाइन करो। अल्फा प्लस बीटा फाइन करने के लिए पहले फाइन करना पड़ेगा तुमको वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी की वैल्यू फाइन करने का, करेक्ट। नाउ ए की वैल्यू क्या इधर 2, बी की वैल्यू क्या इधर -4 और सी की वैल्यू क्या इधर -3। ए की वैल्यू क्या इधर 2, बी की वैल्यू क्या इधर -4 और सी की वैल्यू क्या इधर -3। अब ये ए बी सी मिला, अभी तो फाइंड करने का है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का, ये फॉर्मूला का साइन है। बी की वैल्यू क्या इधर -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2, सो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2 कट कर दो, आंसर कितना आया, आंसर 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुई 2। अभी अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या है इसका, सी अपॉन ए, तो इधर आएगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 और ए की वैल्यू क्या इधर 2, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हुई सी अपॉन ए इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अपॉन 2। ये मेरा दिस वॉज अबाउट द थर्ड सम। नाउ सेकेंड सम के फाइंड करने का हमको व्हाट 2.5 का सेकेंड सम का फर्स्ट वन यू टू फाइंड व्हाट डिस्क्रिमिनेंट। द डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डेल्टा, इट्स कॉल्ड व्हाट डेल्टा। द फाइंड करने का डेल्टा, डेल्टा फाइंड करने के लिए मैंने पहले बताया था यूज करने का हम लोग फॉर्मूला व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्रीवियस सम्स में मैंने किया है। तो टू फाइंड सी डेल्टा का फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट। सो इधर फर्स्ट ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 7, सी की वैल्यू क्या है -1। सो डेल्टा इज इक्वल टू फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी क्या है 7 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू क्या है सी की वैल्यू -1। 7 से 49 माइनस माइनस प्लस 4, देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा की वैल्यू मिली आपने को 53 वैल्यू मिली थी, करेक्ट। सेकंड सम भी वही रहेगा सेम, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है -5, सी की वैल्यू क्या है 10। सो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डेल्टा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है -5 की होल स्क्वायर माइनस 4 और ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 10। सो कितना आएगा 25 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 टेन ज़ा 18। डेल्टा की वैल्यू इधर आती है हम लोगों को माइनस 55 50 60 70 80, डेल्टा की वैल्यू पे नेगेटिव है। इधर आते सेम सम, ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू रूट 2, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 2√2, करेक्ट। सो अगेन फाइंड व्हाट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डेल्टा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या गई 4 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या गई रूट 2 और सी की वैल्यू क्या गई 2√2, करेक्ट। सो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 8, root 2 into 2, so 16 minus 16, delta की value कितना आ गई 0। तो ये second sum का 3 sums था, correct? Now see, find the, this is what the third sum, third का 3 sum है, find the discriminant, delta find करना है, और उसके बाद नहीं find करके nature of the root, nature of the root क्या है, क्या वो real और equal है, अगर जीरो आएगा तो रियल और इक्वल, अगर पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन जीरो आएगा तो रियल एंड अन इक्वल, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो रियल आर नॉट इक्वल। लेट्स सी कौन सा रीच ऑफ द रूट है। तो पहले फाइंड क्या करने का है, बाय कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इसे पी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू क्या इधर 1, बी की वैल्यू क्या है 4 माइनस 4 और सी की वैल्यू क्या है 4। फाइंड करो बी स्क्वायर सॉरी डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है माइनस 4 दी होल स्क्वायर
ए की वैल्यू क्या 1 और ई वैल्यू क्या 4, ये प्लस में आ गया, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 जो 16, यानी डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा वैल्यू आ गई 0। अगर डेल्टा की वैल्यू अगर 0 है तो क्या आएगा, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, करेक्ट। तो फर्स्ट सम सेम सम इधर भी करना है, करेक्ट, वही सेम अगेन राइट, बाय कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या गई 2, बी की वैल्यू क्या है माइनस 7, सी की वैल्यू क्या है 2, फाइंड करो, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर माइनस 4, सी की वैल्यू क्या है 2 और ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू भी 2 है, इसका स्क्वायर निकालो 49 माइनस 4 टू टू 4 4 4 16 है ना, डेल्टा इज इक्वल टू 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया तो 3, तो वैल्यू क्या गई हियर, डेल्टा इज ग्रेटर देन व्हाट 0। अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सेम सम उधर अगेन बाय कंपेयरिंग द सेम ऐसे लिख रहे हैं हमको द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 9, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या इधर 2 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या इधर 1, सी की वैल्यू क्या इधर 9, सो 4 9 जा 36, कितना आया 32 माइनस में, सो डेल्टा क्या मिला हम लोगों को माइनस में मिला, तो डेल्टा इज व्हाट लेस देन 0, लेस देन 0 है तो क्या आएगा रूट्स आर नॉट इक्वल, रूट्स आर व्हाट नॉट इक्वल, करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ टू रूट्स आर गिवन, एक रूट दिया है 0, दूसरा रूट दिया है 4, तो सभी सम के अंदर फोर सम से 1 2 3 4, करेक्ट, इसमें हम लोग फर्स्ट रूट लेंगे अल्फा और दूसरा रूट लेंगे बीटा, तो फर्स्ट अल्फा है वो 0 है और बीटा दोनों को 4 है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर हमको फाइंड करने का है क्वाड्रेटिक, पहले फाइंड करने का हम लोग को व्हाट अल्फा प्लस बीटा, फिर फाइंड करने का हम लोग को व्हाट अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड किया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड किया, फिर हमको फाइंड करने का दिस व्हाट योर मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस फॉर्म में हमको उसको पुट करना है, करेक्ट, और लोग सम सॉल्व कैसे कर देते हैं ना, तो पहले फाइंड करने का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 0 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आंसर 4, फिर फाइंड करने का अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 0 इंटू 4 क्या आंसर 0, फिर बाय द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अगर ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इक्वेशन से ए ए भी दो ए क्या है नहीं मालूम है, ए इज नॉट है सॉरी ए नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है इधर 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर
minus 4x is equal to what? 0 is the required equation. Next sum is of same sum. Now, pahli kya find karne ka? Alpha plus beta. B minus 10. B plus, idhar aayega minus 10. Is equal to plus minus. Minus. Answer aaya? Minus 7. We find karne ka humko what? Alpha into beta. We find what? Alpha into beta. Now, whenever they are going to find alpha into beta, the multiply by 3 into minus 10 is equal to what? Minus 30. Therefore, the required quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. What is x square minus alpha plus beta? Kya hai? Minus 7x plus alpha into beta kya hai? Minus 30 is equal to 0. So equation kya bana? X square minus minus plus 7x plus minus minus 30 is equal to what? 0. Okay, we got what? The same. We got the equation. Second one. Now third one. Third one is what the Newton denominator mein hai. See. Now alpha plus beta. Find karo. क्या ये हाफ प्लस ब्रैकेट में हाफ कहेगा हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू व्हाट जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा कैसा आएगा हाफ इंटू माइनस हाफ कहेगा माइनस वन टू टू जा फोर करेक्ट फिर अपू आफ्टर गेटिंग अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज same x square alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0 x square minus alpha plus beta kya hai 0 x abhi kitna hai 1 upon 4 is equal to 0 to answer kya hai therefore x is equal to leave this one plus minus minus 1 upon 4 is equal to 0 is your the your answer. That's for what third answer we have to go x square minus 1 upon 4. Last sum of this fourth sub question and here find the alpha plus beta 2 minus root 5 plus 2 plus root 5. ये minus ने plus निकल गया 2 plus 2 कितना आंसर आया 4. We got alpha into beta. Alpha plus beta, sorry. Alpha plus beta, we got 4. Find the beta, alpha into beta. Alpha into beta. So 2 minus 2 pi. And 2 plus 2 pi. Formula a square minus b square. So 2 divided by 5. A square minus b square formula. Then I got 4. Pi ka is a good pi ka square by 5. We got the answer of minus 1. Now, the required quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to what? 0. Right? Alpha square, alpha, so x square given as it is, alpha plus beta. Alpha plus beta kya hai idhar? 4. Plus alpha into beta kya idhar alpha into beta minus 1 is equal to 0 x square minus 4 x plus minus minus 1 is equal to what 0 this is what your required quadratic equation next part yahi exercises ka fifth question and sixth question and what you upload body to next video right okay?